तो चलिए हम आपको देते हैं क्रूज का टूर, कॉर्डेलिया क्रूज का टूर। कॉर्डेलिया क्रूज का टूर, और ये जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ, दिस इज द सबसे ऊपर वाला डेक, 11th नंबर का डेक, जहाँ पर ऑब्जर्वेटरी है। यहाँ पर आप चिल कर सकते हो, सन बेदिंग कर सकते हो, और जब आपको अकेला वक्त बिताने का मन करे तो यहाँ पर बस खड़े होके समुन्द्र के सुंदर नज़ारे देख सकते हो। और यहाँ से अब हम चलते हैं डेक नंबर 10 पे। सो डेक नंबर 10 पे है ये स्विमिंग पूल, जो कि 6 फीट का है। तो आप बच्चों को ट्यूब के साथ, या उन्हें स्विमिंग नहीं आती है तो ज़रूर असिस्ट करना, अकेले मत भेज देना, क्योंकि ये थोड़ा डीप है। देन वहीं पर है लाउंज चेयर, जहां पर आप अगर स्विम नहीं कर रहे तो बैठ सकते हो। देर आर 3 जकूजी टब्स, फिर आराम से बस चिल कर सकते हो। और बच्चों के लिए एक सेपरेट सेक्शन है जहां पर बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। देन पूल के जस्ट सामने है पूल बार, जहां से आप अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो ब्यूटीफुल सा सनसेट, जहां पर मोस्टली हमारे पेरेंट्स टाइम स्पेंड किया करते थे। वो था ये वाला स्पॉट, क्योंकि यहां से सनसेट इस वाले दिन काफ़ी अच्छा दिख रहा था। उसी के बाद थोड़ा आगे जाकर है स्पा एंड सलों। यस, क्रूज में स्पा एंड सलों दोनों है। सलों देखोगे तो आपको लगेगा कि आप कहीं नॉर्मल सिटी के सलों में आए हुए हो। तो यहाँ पर आप जो भी अपनी सर्विस लेना चाहते हो, मैनी पेडी, हेयर कट, मेकअप, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन जस्ट गो एंड बुक इट योर सेल्फ। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे स्पा रूम्स है, ओवर लुकिंग द ओशन का व्यू, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। जब आप क्रूज पे हो, क्रूज सेल कर रहा हो और आप स्पा ले रहे हो, वाह क्या बात है। स्पा से थोड़ा सा आगे जाकर है कॉर्डेलिया एकेडमी, जहां आप अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ के लिए ड्रॉप कर सकते हो और अपना टाइम, पर्सनल टाइम एंजॉय कर सकते हो। देन उसी के आगे है ये प्लेस जहां पर मोस्टली कैरियोके नाइट्स होते हैं, एंड इसके ऊपर से जो स्टेयर्स जा रही है ना, वो जिम का रास्ता है। तो अगर आप जिम फ्री को क्रूज में भी स्किप नहीं करना चाहते जिम, तो आपके लिए सारे इक्विपमेंट्स हैं, आप जिम कर सकते हो। एंड देन बाहर आते ही डेक पे आपको यहाँ पर दिखेगा एडवेंचर सेक्शन, जो कि रॉक वॉल क्लाइंबिंग करने के अगर शौकीन, नो मैंने लास्ट टाइम किया था, इस बार ही नहीं किया, सो दैट्स दैट यू कैन डू। जी एवरीबॉडी, सो दिस इज डेक नंबर 9, और इस डेक में सारे रूम्स हैं। हमारा रूम 8 नंबर डेक पे है, बाकी 8 9 दोनों में रूम्स हैं, और रूम्स की कैटेगरीज हैं, उसके बारे में क्विकली थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं रूम्स की कैटेगरी की। तो ये आपको कॉर्डेलिया की वेबसाइट पे प्राइस के साथ समझ में आ जाएगा, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, स्टेट रूम होते हैं जिसमें कि आपको ओशन का व्यू भी मिलता है। कुछ रूम्स जो स्वीट्स होते हैं उनमें आपको बालकनी भी मिलेगी, बट वो सारे हायर एंड्स के हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। पर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप स्टेट रूम विद ओशन व्यू लो, तो ताकि आपको अंदर रूम में बैठने का भी मज़ा आए। उसके बाद चलते हैं नीचे की तरफ। Hey everybody, so now we are on deck number 6 and entertainment ke liye cruise mein hai casino. यहाँ पर मोस्टली कपल गेम्स, कैरियोके नाइट, और बार भी है पीछे, सो यू कैन ऑर्डर सम ड्रिंक्स फॉर यू एंड एंजॉय द इवनिंग हियर। यहाँ पे मोस्टली म्यूजिकल शोज होते हैं, सो लोग यहाँ पर बैठ के आराम से एंजॉय करते हैं। इसने कैरियोके में गाना भी गाया था, मैं डालूंगी, पिछले बार गाया था, इस बार नहीं गाया था, ये हिमेश रेशमिया बन गया था टोपी लगा के। चलो अब हम चलते हैं डेक नंबर 6 में, और क्या वो आपको दिखाते हैं, बच्चों के लिए भी देयर इज समथिंग, दिखा देते हैं। चलो में, अगर आप अपने घर से कुछ भूल गए हो या घर वालों को देने के लिए कुछ सुवेनियर लेके जाना चाहते हो क्रूज से, तो यहाँ पर पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल है। Let's go.
एवरीबॉडी, सो वी आर इन डेक नंबर 6. सबसे पीछे से हमने शुरुआत की थी, हम आ गए हैं एकदम शिप के सेंटर पे, विच इज फॉयर. और यहाँ पर से आपको जो है पूरा का पूरा शिप के सारे फ्लोर्स यहाँ से नजर आते हैं. हैव अ लुक. एक्सकर्जन का डेस्क, यहाँ पे आप शिप से नीचे उतरने के लिए, कोई सिटी एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग पैकेजेस होते हैं, उसमें से कोई एक बुक करते हैं. और ये है बॉक्स ऑफिस. बॉक्स ऑफिस में टिकट्स मिलती है जो शोज़ होते हैं मार्की थिएटर में उनकी. तो यहाँ पे फिफ्थ फ्लोर पे देयर इज वन मार्की थिएटर जिसमें अलग अलग प्रोडक्शन शोज़ होते हैं, डांस के प्लेस होते हैं, बाकी सब होते हैं. तो उसके टिकट्स ऑलमोस्ट उसमें से बहुत सारे तो फ्री हैं, और कुछ जो पेड होते हैं उनके टिकट्स बॉक्स ऑफिस से मिलते हैं. जैसे अभी देख लीजिए थोड़ी देर में होने वाला है ट्वाइलाइट मूवी नाइट, ओनली फॉर किड्स. नहीं दिखेगा शायद, नहीं दिख रहा है. और वो है, उसका प्राइस है $11, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा. एंड देन देयर इज अ रिसेप्शन जहाँ पर अगर आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी है, कुछ रूम रिलेटेड कुछ बात करनी है, कार्ड में रिचार्ज करवाना है, ऑल द इंटरनेट लेना है, यस एवरीथिंग यू कैन गेट गेट इट फ्रॉम हियर. ये है चेयरमैन्स क्लब जो कि मेनली एक बार है, बट ऑलमोस्ट सारे म्यूजिक रिलेटेड शोज, म्यूजिक लाइव म्यूजिक शोज यहाँ पे होते हैं. उसमें बॉलीवुड भी होता है, साउथ इंडियन हिट्स भी होती है, इंग्लिश हिट्स भी होती है, तो सब कुछ होता है. आओ दिखाते हैं. हाँ जी, तो चेयरमैन क्लब से आगे चलते हुए कारपेट एरिया पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए इन लोगों ने एक कॉमन एरिया बनाया है जिसमें टेबल टेनिस टेबल रखी है. एक तो यहाँ से इधर दिखाइए, यहाँ से आपका कैसीनो की एंट्री है. यस. And then there is only multi-cuisine restaurant here in the cruise. आपके Starlight और food court के अलावा there is chopsticks जहाँ पर आपको जो भी खाना हो, आपकी जो भी craving हो रही है ना, आप यहाँ पर आकर order कर सकते हो. And you get here freshly made by chef. By the way, सारा खाना fresh होता है और Starlight और food court में कुछ set menu होता है, तो आपको अगर कुछ अलग खाने का मन है, you can check this out. By the way, यहाँ पर menu भी है, जैसे कि चॉपस्टिक्स का मेन्यू मुझे मोस्टली ऐसे एशियन एशियन क्यूजीन है यहाँ पे. सो यार दैट्स दैट. अभी यहाँ से फिर से यही चेयरमैन्स क्लब की एंट्री हो जाएगी, बट हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम इस तरफ चलते हैं. लेट्स गो. ये जो एरिया है सारा, यहाँ पर लोग बैठ के गप्पे शप्पे मारते हैं परिवार के साथ, मस्त चिल करते हैं, क्योंकि इधर से एक तो मार्की थिएटर जाने का रास्ता है, यहाँ से सारे रूम्स और सामने स्टार लाइट्स हैं, और इस तरफ है फोटो गैलरी जहाँ पर अगर आपको कुछ अपने पर्सनलाइज फ़ोटो शूट करवाने हैं तो यू कैन डू दैट. और फिर आपको यहीं पर से वो मिल जाते हैं, जैसे कि हमारा पहले दिन फ़ोटो क्लिक हुआ था यहाँ पर, अभी भी लगा हुआ दिखा दो. पहले तो आप ये डीवा देख लो, डीवा. और ये फिर हमारा फैमिली फोटो ले लेते हैं, ये वाला फैमिली डीवा. तो यहाँ पे हर फ्लोर पे ना, हर जगह पे कॉमन वॉशरूम है. आपको ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कभी इमरजेंसी आ रही है और नेचर कॉल है तो आपको बार बार अपने रूम में जाना है. हर फ्लोर पे कॉमन वॉशरूम है. हाँ जी, तो दिस इज डेक नंबर 4. हम 4th डेक पे आ गए हैं और यहाँ पर भी सारे रूम्स हैं. और स्टार लाइट जो रेस्टोरेंट है उसका नॉनवेज जो फ्लोर है वो नीचे है, और ऊपर जो है वो वेजिटेरियन और जैन फूड है. वो हम आपको अभी लेकर चलने वाले हैं जब डिनर स्टार्ट होगा. बट दिस फ्लोर, यहाँ पर हम फर्स्ट टाइम जब कॉर्डेलिया से ट्रैवल कर रहे थे तब हम यहाँ रुके थे 4th फ्लोर में. और जो 3rd और 2nd फ्लोर है क्रूज़ का, वहाँ पर हमें नहीं पता क्या है, क्योंकि ये क्रूज़ का सारा सामान जो भी स्टोरेज होता होगा, उनके फंक्शनल जो भी चीज़ें होती होगी, वो सब चीज़ें वहाँ पर स्टोर होती है, तो वहाँ पर पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है. 4th फ्लोर से स्टार्ट होता है क्रूज़ में, जो भी आ रहे हैं गेस्ट उनके लिए रूम्स और सारी चीज़ें 4th से शुरू होती है. सो या अभी चलते हैं स्टार लाइट. डिनर का भी टाइम हो गया है तो आपको डिनर का बुफे दिखाते हैं आज क्या है. लेट्स गो. Thank you.
एंटरटेनमेंट के लिए क्रूज में बहुत कुछ है, बट ये जगह बहुत स्पेशल है क्योंकि हर दिन यहाँ पर ना रात को आपको कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग शोज देखने को मिलेंगे, वो भी थिएटर में। हाँ जी, ये है मार्की थिएटर, जहाँ पे बालकनी नीचे सब जगह सिटिंग है और बहुत ही कंफर्टेबल चेयर्स काउचेस है जहाँ पर आप आराम से शोज इंजॉय कर सकते हो। दिस शो इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑन कॉर्डेलिया क्रूज, जिसका नाम है बल्ले बल्ले। ये मिस मत करना जब भी आप क्रूज पे जाओ। देन सेकेंड इज इंडियन सिनेमैजिक, वो भी बहुत ही शानदार जबरदस्त शो है। इस क्रूज में जितने भी डांसर्स हैं ना, सारे एक से बढ़कर एक है। देन यहाँ पर मैजिक शो होता है और भी कई तरीके के शोज होते हैं जो आप मार्की थिएटर में इंजॉय कर सकते हो। एंड इसी के साथ वी केम टू एन एंड ऑफ द वीडियो, और यहाँ पर मैं एंड करती हूँ। बट अगर कुछ मिस हुआ ना, तो आप मेरे चैनल पे दूसरे भी कॉर्डेलिया क्रूज के वीडियोज है, उसमें व्लॉग में आपको दिख जाएगा, लाइक फूड कोर्ट, रूम का टूर और सारी चीजें जो डिटेल में मैंने इसमें नहीं बताई है, क्योंकि ये था कॉर्डेलिया क्रूज का टूर वीडियो, तो उस पर हमने ज्यादा फोकस किया है। होपफुली यू लाइक डेट, एंड इफ अगर आप क्रूज प्लान कर रहे हो तो होप यू हैव एन अमेजिंग टाइम विथ योर लव्ड वंस ऑन कॉर्डेलिया क्रूज, एंड सी यू टू माई नेक्स्ट व्लॉग गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, नमस्ते।